कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे पर अब मुखर होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कल कांग्रेस प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आएगी। तो कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में सफल नहीं हो रही और इसी को लेकर कांग्रेस अब मोर्चा खोल रही है। कल प्रदेश की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आएंगे। राज्य में पिछले पौने चार साल में इस राज्य के अंदर जितने सरकारी विभाग हैं, इस राज्य के अंदर जितने निगम हैं, उन निगमों में, सरकारी विभागों में, विधानसभा में, सचिवालय में जितने पद रिक्त पड़े हुए हैं, उन पदों के सापेक्ष आज अगर रोजगार देना शुरू कर दे तो 1,00,000 नौजवान को हम रोजगार दे सकते हैं, लेकिन वो पद खाली पड़े हैं, उन पर नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। यहाँ का बेरोजगार नौजवान पौने चार साल में तरस गया किसी नियुक्ति की विज्ञप्ति देखने के लिए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग का हाल यह है, 5,500 नर्स होनी चाहिए, 3,500 हैं, 1,000 यहाँ पर लैब टेक्नीशियन होना चाहिए, केवल 150 है, यहाँ पर वार्ड बॉय नहीं है, यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग का हाल है। स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट की बात छोड़ दीजिए, नर्सिंग स्टाफ नहीं है राज्य में, परिवहन विभाग में कंडक्टर और ड्राइवर नहीं है, राज्य के जो वन विभाग है वहाँ आग बुझाने वाला वन दरोगा और वन रक्षा कर्मी नहीं है। तो सुना आपने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को, जो कह रहे हैं कि कल कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध करेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पर। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, हरीश रावत का अनोखा विरोध प्रदर्शन, देहरादून से बड़ी खबर। बेरोजगारी और गन्ना किसानों के भुगतान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अनोखा प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घंटी बजाई, कोरोना नियंत्रण को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। तो पूर्व सीएम हरीश रावत की ये तस्वीरें आप देखिए, उनके हाथ में घंटी नजर आ रही है, तो उन्होंने घंटी बजाकर सरकार को जगाने का यहां पर आह्वान किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत का अनोखा प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, देहरादून से तस्वीरें आई हैं, और किसानों को, किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर और कोरोना को लेकर उन्होंने घंटी बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। तो सरकार के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अनोखा प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, देहरादून से तस्वीरें आई हैं, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कल से बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम नेता सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं आज ये तस्वीरें सामने आई हैं राजधानी देहरादून से, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हाथों में घंटी लिए सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। इसके साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा तो है ही, वहीं गन्ना किसानों के बकाए भुगतान को लेकर भी घंटी बजाकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अनोखा प्रदर्शन किया और विरोध दर्ज कराया। तो कोरोना नियंत्रण को लेकर सरकार पर हरीश रावत का निशाना, बेरोजगारी और गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर अनोखा प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के हाथों में घंटी है और वो घंटी बजाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनके साथ तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो थालियां बजा रहे हैं। तो हरीश रावत घंटी बजाकर विरोध जता रहे हैं। वहीं 23 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र की तैयारियों को लेकर सभी पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोरोना महामारी की वजह से इस बार सत्र में खास हिदायतें बरती जाएंगी। तो विधानसभा सत्र के दौरान बहुत कम लोगों की आवाजाही होगी और सत्र से पहले विधायकों को भी अपनी कोरोना टेस्ट कराने होंगे और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही विधायकों को सत्र में जाने की परमिशन होगी। इसके साथ ही उम्रदराज विधायकों को वर्चुअल सत्र से जुड़ने के लिए कहा गया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी वहां पर पालन किया जाएगा। अपनी गाड़ी में यदि आ रहे हैं तो अपने साथ सहयोगी वो न लाएं, ऐसा उनसे आग्रह कर रहे हैं, यानी खाली आप माननीय विधायक ही वहां पर रहें, उसके अलावा उनका चालक अपनी गाड़ी लेके वो अपने कैंपस से, हमारे विधान परिसर से बाहर उनके गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।
ऐसे ही गनर्स के साथ ये पहले भी होता है। जहाँ तक टेस्ट की बात है, तमाम माननीय विधायकों का, मंत्रियों का, उनका हम टेस्ट कर रहे हैं, और यदि कोई माननीय विधायक अपने आप टेस्ट करा के लाए हैं और उनकी कोई नेगेटिव रिपोर्ट है तो वो हमें उपलब्ध कराएंगे, तो उनको हम उसी प्रकार से उनको अनुमति देंगे। नहीं, नेता प्रतिपक्ष जी से मैंने पहले ही बात की थी, 65 से ऊपर के दायरे में हैं, वो आग्रह करेंगे, लेकिन यदि विशेष परिस्थिति के अनुसार इसमें अध्यक्ष विधानसभा को ये अधिकार है कि उसको, चूँकि वो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने मुझे कहा भी था कि मैं तो नेता प्रतिपक्ष हूँ, मैं तो आऊँगी, अब उनका उसके बारे में उसी तरह से उनके बारे में विचार किया जाए। 23 सितंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा, तमाम गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक ही विधानसभा सत्र चलेगा। उधर पिथौरागढ़ में सेना और ग्रामीणों के बीच पेयजल टैंक तोड़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सेना का दावा है कि जिस जमीन पर टैंक बना था वो उसकी जमीन है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि जमीन ग्राम पंचायत की है। पिथौरागढ़ के सुवाकोट में पानी के टैंक को तोड़ने पर ग्रामीणों का सेना के साथ विवाद हो गया है। 1 करोड़ रुपए की कीमत से बनी पानी के टैंक को सेना ने तोड़वा दिया, जिससे ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों का कहना है कि ये जमीन उनकी है और सेना इस पर बेवजह अपना दावा जता रही है। ये सब यहाँ आए और इन लोगों ने हमारे काम को रोका, और हमने जो है जिला अधिकारी महोदय द्वारा पटवारी जी की, यहाँ तहसीलदार जी की, उससे जो गांव का मौका मुआयना किया गया, उसमें जो है ये लैंड जो है हमारी ग्राम पंचायत सुहाकोट की, 2017 में क्लियर हो गया था कि ये ग्राम पंचायत सुहाकोट की गोचर भूमि है। हंगामे की सूचना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे, मगर ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनकी अधिकारियों के साथ काफी देर तक बहस होती रही। जमीन को लेकर सेना पहले भी आपत्ति जता चुकी है, मगर ग्रामीणों ने दावा किया था कि ये जमीन ग्राम पंचायत की है। तमाम दस्तावेज चेक करने के बाद ही यहाँ पर टैंक बनाने की इजाजत मिली थी। ग्रामीणों द्वारा सूचित किया गया था कि ये पेयजल टैंक को एक मशीन द्वारा ध्वस्त किया गया है। मौके पर पहुँचते हुए हमने जो मशीन पाई गई है उसको अपने कब्जे में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए सारी कार्रवाई की है। इस टैंक का निर्माण 15 दिन पहले ही हुआ था, जिस पर करीब 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे इलाके के 550 परिवारों को फायदा होना है, यही वजह है कि सेना की कार्रवाई का बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ग्रामीणों और सेना में टकराव तो आपने देखा, वहीं देहरादून में शहीद स्मारक पर एक राज्य आंदोलनकारी ने हंगामा कर दिया। इनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों की अनदेखी कर रही है। ये आंदोलनकारी मुझे गोली मारते हैं, लेकिन मैं यहाँ की पोल खोल के रहूंगा। हंगामे की ये तस्वीरें देहरादून की है, जहाँ पर राज्य आंदोलनकारी ने खुद को स्मारक में बने एक कमरे में कैद कर लिया है। पुलिस कर्मी उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मुझे बाहर निकालना था, बहन जी सुनो, पूरा मत मानो। मुझे पेंशन मेरी भी मिली, मेरे दोनों बच्चों को पेंशन मिली, तीनों आंदोलनकारी हम। मैं पेंशन बंद कराऊंगा, एक गेट बंद कराऊंगा, ये दफ्तर बंद कराऊंगा, चाहे मेरी जान चल जाए। मैंने पता नहीं करेगा, ये देखो मेरे को जबरदस्ती करेगा, मेरा पेट्रोल रखूंगा, मैं पेट्रोल डालूंगा। राज्य आंदोलनकारी की मांग है कि प्रदेश के लिए शहीद हुए आंदोलनकारियों की स्मृतियों का संग्रहालय बनाया जाए, जिससे उनकी यादों को संजोकर रखा जा सके। साथ ही उत्तराखंड के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग है। अस्थायी संग्रहालय मेरे पास मौजूद है, सरकार को केवल बिल्डिंग बनानी है, संग्रहालय बना के मैं दूंगा। मेरे पास सब निशानियाँ हैं, पूरे उत्तराखंड की निशानियाँ हैं, और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। सब कुर्सी के चक्कर में भाग रहे हैं, कोई पेंशन के चक्कर में भाग रहा, कोई नौकरी के चक्कर में भाग रहा, ये नहीं देख रहे, आंदोलनकारी भी नहीं देख रहे कि यार हमारी निशानियां रहेंगी, शहीदों की निशानियां रहेंगी, तभी हमें कोई पूछेगा। पुलिस ने किसी तरह से इन्हें समझा लिया और स्मारक में बने कमरे से बाहर निकाल लिया।
जिसके बाद पुलिस इन्हें अपने साथ ले गई। पुलिस अधिकारी इनकी मांगों पर गौर करने की बात कह रहे हैं। पुलिस काफी तत्पर थी, हमारे सीओ सिटी और कोतवाल जो है इंस्पेक्टर कोतवाली वो मौके पे पहुंच गए थे। फायर की भी टीम हमारी पहुंच गई। कटर से हमने दरवाजा तोड़ के जो है इनको सकुशल बाहर निकाल लिया था। उत्तराखंड निर्माण के लिए कई आंदोलन हुए थे। देहरादून, खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा गोलीकांड को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। पुलिस की बर्बरता में कई राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। नाराजगी इसी बात को लेकर रहती है कि राजनीतिक दल सत्ता के सुख के आगे राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को भूल गए हैं और उनकी अनदेखी हो रही है। देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर मसूरी के शिफन कोर्ट में प्रशासन ने सभी घरों को खाली करवा दिया है। इनमें से कई परिवारों को रहने के लिए जगह दे दी गई है, मगर 48 परिवार अब भी ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। मसूरी के शिफन कोर्ट के बेघर लोगों का दर्द शायद ही कोई समझ पाए। ये लोग जिस जमीन पर रह रहे हैं उसे सरकारी जमीन बताकर प्रशासन ने खाली करवा दिया। पाई पाई जोड़कर कई सालों में जो आशियाना तैयार किया गया था अब वो खंडर है। लोग अपने घर का जरूरी सामान उठा रहे हैं, मगर बड़ा सवाल ये है कि ये लोग आखिरकार जाएंगे कहाँ। 84 परिवारों में से कुछ को तो रहने के लिए आशियाने मिल गए, मगर 48 परिवार अभी भी ऐसे हैं जिनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। ये लोग सड़क पर आ गए हैं। अतिक्रमण है वो हटाया गया और यहाँ के लोगों का भी सहयोग रहा, जिन्होंने स्वयं ही अपने अतिक्रमण को हटा दिया। और आज की तिथि में जो है ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग नगर पालिका से हैंड ओवर करेंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट को, जिनकी इनको ये जमीन सुपुर्द की गई है, तो आज की कार्रवाई उसी के क्रम में की जा रही है। बेघर हुए लोगों को प्रशासन ने पास के ही मंदिर और गुरुद्वारे में अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रुकने की व्यवस्था की है। ये तब तक वहाँ रुक सकते हैं जब तक कि ये अपने लिए कोई रहने की जगह नहीं ढूंढ लेते। मगर बड़ा सवाल ये है कि अगर इनके पास रहने की कोई जगह होती तो ये इस हालात में रहते ही क्यों? शिफन कोर्ट से जमीन खाली करवाने के बाद इसे पर्यटन विभाग को सौंप दिया जाएगा। इस जगह का इस्तेमाल रोपवे के लिए किया जाएगा। मसूरी पुरकुल रोपवे परियोजना के तहत शिफन कोर्ट में प्लेटफॉर्म बनाया जाना है। सवाल ये है कि एक तरफ सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही है, तो वहीं बेघर लोगों के बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही। मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने सभी जिलों के डीएम और सीएमओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। इस दौरान कोरोना को लेकर किए गए इंतजामों की समीक्षा की गई। अमित नेगी का कहना है कि प्रदेश में ऑक्सीजन और बेड की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्राइवेट अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस में भी कोविड-19 के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। विषय है हमारे कोविड के, उनके संबंध में काफी गहन विचार विमर्श हुआ और सभी जिलाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि उनकी जितनी फैसिलिटीज़ हमारी हैं उनको लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। उनके द्वारा सफिशिएंट ऑक्सीजन बेड की कैपेसिटी क्रिएट कर दी गई है और ऑक्सीजन बेड्स में हमारे पास अभी काफ़ी कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। साथ ही साथ देहरादून के द्वारा बताया गया कि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो नंबर ऑफ वेंटिलेटर बेड्स हैं उनकी कैपेसिटी भी अपग्रेड की जा रही है और काफ़ी नंबर ऑफ बेड्स मेरे ख्याल से विद इन 2 वीक्स या 50 बेड्स अकेले दून मेडिकल कॉलेज अपने आप ऐड करेगा। साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स में उनके द्वारा बेड्स और आईसीयू की व्यवस्था की गई है। वहीं लक्सर में कोरोना की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना होने की वजह से सरकारी अस्पताल को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। अब अस्पताल 3 दिन तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी कोई इलाज वहां पर नहीं होगा। लक्सर में यह इकलौता सरकारी अस्पताल है। जाहिर है इसके सील होने से लोगों के सामने इलाज की समस्या हो सकती है। तो 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है अस्पताल, इमरजेंसी सेवाएं बंद हैं। तो 2 स्वास्थ्य कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जिसके बाद यह कदम उठाया गया।